हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पैसे का पेड़ आप जितनी जल्दी लगा देंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। दोस्तों, अगर आपने 20 साल की उम्र में पैसे का पेड़ लगा दिया तो आपको 40-45 की उम्र में उसके पैसे तोड़ने स्टार्ट कर दोगे आप। अगर वही आपने 40 साल की उम्र में पेड़ लगाया तो आपको 60-70 साल की उम्र में उसे पैसा तोड़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, पैसे पैसे के पेड़ की मैं बोल बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट शुरू करनी। जितनी जल्दी आप अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे आप उतनी जल्दी से पैसे तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दी, हर महीने 500-1000 कहीं अच्छी जगह या स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया दोस्तों, तो आपके पास 45 साल की उम्र या 40 साल की उम्र इतना पैसा हो जाएगा बहुत ज्यादा दोस्तों। तो आपका एक पेड़ बन जाएगा, उससे सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, उसे तोड़ते रहना, पैसे और जेब में डालते रहना। आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक पेड़ बन गया है दोस्तों। हम बहुत ही अच्छे स्टॉक का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसने पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए दोस्तों। जो ये कंपनी है, जो हमारे घरों में एसी आते हैं, विंडो एसी आते हैं, उसका ये बिजनेस करती है, या एयर कंडीशन आते हैं उसका ये कंपनी बिजनेस करती है, जिसका हम देखें भारत के अंदर 30% की हिस्सेदारी है दोस्तों। जो पोर्टफोलियो देखिए हम, जिसको रूम एयर कंडीशन से इनकम मिलती है, 47% की इसको इनकम मिलती है। जो ये इसमें बनाती है, जैसे विंडो एयर कंडीशनर, जो इंडोर यूनिट, इंडोर उसके बाद एयर कंडीशनर और आउटडोर यूनिट और इन्वेटर, ये तो इसमें बनाती है रूम एयर कंडीशनर। जो इसका बात देखिए हम आरएसी घटक में, आरएसी रेफ्रिजरेटर, उसके बाद एएक्स हीटर, उसकी वॉशिंग मशीन टब, जो उसके बाद जो ऑटोमोबाइल धातु की छत बनाती है दोस्तों, उसके बाद जो रसोई में हमारे खाना बनाने के उपकरण, जो ये बनाती है आरएसी घटक में, जिससे इसको 25% की इनकम जनरेट होती है। जिसके बाद देखे हम गतिशील अनुरूप, जैसे इसमें आता है रेलवे, मेट्रो, रक्षा बक्स, इसमें ये एयर कंडीशन लगाती है दोस्तों। जो कंपनी का नाम है अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड दोस्तों। उसके बाद जो इसका विनिर्माण सुविधाएं देखे हम, कंपनी के प्लांट देखें, भारत के अंदर 8 राज्यों में इसके 23 प्लांट है दोस्तों। ये देखो बहुत अच्छी बात है, 2021-22 में अहमदाबाद और पुणे में इसने 3 नई कंपनियां लगाई अपनी, और चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे और चेन्नई में 3 नई कंपनियां लगाई हैं दोस्तों। उसके बाद जिसने अभी QIP से अपना जो धन 400 करोड़ का इसने धन जुटाया था, जो जिसका विकास ये दक्षिण भाग में, दक्षिण भारत में पुणे चेन्नई में अपनी 2 कंपनियों और लगाएगी। देखो दोस्तों, ये भी बात है इसकी अच्छी है, इसने 400 करोड़ जुटाए थे QIP से, जहां पर ये 2 कंपनियां लगाई अपनी चेन्नई और पुणे में दोस्तों। ये तो इसका बिजनेस मॉडल हो गया। उसके बाद जो हम इसका मार्केट कैप्चर देखें, 65,000 करोड़ का मार्केट कैप्चर है, जो स्टॉक पे 50.6, जो बुक वैल्यू है 53, जो आरओसी है 8.54, जो आरओई है 6.67, जो फेस वैल्यू है इसकी 10, जो हम इसकी कंपाउंड करें सेल एंड ग्रोथ, 5 साल में 21%, 3 साल में 15% दोस्तों इसकी सेल में ग्रोथ हुई है। अच्छा, हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपनी का, 5 साल में 38% और 3 साल में 6% से कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ की है। और जो कंपनी का CGR बढ़ा है, 3 साल से 21% का CGR बढ़ा है दोस्तों। जो रिजर्व देखिए, 1756 करोड़ का रिजर्व है। देखो दोस्तों, कंपनी के पास रिजर्व तो अच्छा है, और जो बोरिंग है 1347 करोड़ का बोरिंग है। जो हम प्रमोटर की होल्डिंग है 40.3% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जो FL की होल्डिंग है 26.44 की, और जो DL की होल्डिंग है 13.89 की, और जो पब्लिक की होल्डिंग है 19.36 की दोस्तों। जो हम इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें दोस्तों कंपनी का, जून में 1825 करोड़ की सेल हुई थी, वही सितंबर में 750 करोड़ की सेल हुई है दोस्तों। देखो क्वार्टर रिजल्ट तो बहुत ही निराशाजनक रहा इसका, बहुत ही कम क्वार्टर रिजल्ट है, 750 करोड़ का मात्र क्वार्टर रिजल्ट, जो पिछला जून में देखिए 1825 क्वार्टर रिजल्ट था दोस्तों। जो वही हम इसका नेट देखें, जून का 48.89 करोड़ की सेल हुई थी, वही फिर सितंबर में 2.29 करोड़ की सेल हुई है माइनस की। देखो दोस्तों, इतना क्वार्टर रिजल्ट मतलब बहुत ही ज्यादा, क्या बोले इसको, बहुत ही ज्यादा निराशाजनक। वही 2021 और 22 में
3031 करोड़ की सेल हुई थी 2021 में, वही 2022 में 4206 करोड़ की सेल हुई थी। जो वही 2021 में 83 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2022 में 111 करोड़ की सेल हुई है। जो हम इसका शेयर प्राइस देखें, 1935 शेयर प्राइस चला, जो इसने 5 साल का रिटर्न दिया 57%, जो 1 साल का रिटर्न दिया -42%। दोस्तों कंपनी में तो वैसे बहुत अच्छी है, इन्वर्टर की कंपनी है, एसी की कंपनी है, विंडो एसी की, पर ये जो माइनस आ रही है ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। जो दोस्तों क्वार्टर डेटा है वो भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करने चाहते हैं तो एक बार अपनी रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए, ये नहीं आज के लिए, 10-12 साल के लिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है दोस्तों।